अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों ये इनका माशाल्लाह घर पे तैयार किया हुआ बकरा है जो रिशान भाई के पास था पहले ही, और अभी इनके जो नए ओनर है उनसे भी हम मिलेंगे और रिशान भाई से हम सारी डिटेल्स लेंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रिशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिशान भाई, हमने ओवरऑल आपके तो कम से कम 3-4 वीडियोस बना लिए और माशाल्लाह एक से बढ़कर एक जानवर है आपके पास और इसके बारे में आप बताइए हमें कुछ। सबसे पहले तो मुझे आपका नाम और लोकेशन बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सारे वीडियोस देखने नहीं मिलते, उनको कोई मिस हो जाता है वीडियो, इसलिए आपका फार्म का नाम और लोकेशन बताइए। मैं कैसे अपना ZF के गोट फार्म करके छोटा सा सेटअप है ओके, जो कि रोहा रायगढ़ अष्टली के अंदर लोकेटेड है भाई। हाँ कहाँ छोड़ रहा उसका। और ये कौन सी ब्रीड है ये एक्चुअली भाई? ये नागफनी के अंदर आया हुआ है। हाँ हाँ जानवर जो है, लेकिन खरीदा परचेसिंग इसकी जो है भाई वो कोटा से ही हुई है। कोटा से हुई है तो हो सकता है कोटा का कॉम्बिनेशन होगा इसमें। हाँ यस, कोटा कॉम्बिनेशन में है भाई। हाँ क्योंकि एग्रेशन तो वैसे ही लग रहा है इसका, नागफनी एग्रेशन पूरा कोटा वाला ही है, लेकिन उसके जो कान है ना भाई। हाँ वो नागफनी। हाँ यस यस, वो कैसे चौरस कान में। हाँ हाँ वो हिसाब से अपन उसको नागफनी बोलते हैं बस। जी जी, एक्चुअली इसका जो फ्रेम वगैरह है बहुत माशाल्लाह। ये क्या डिटेल्स पे आपने लिए थे भाई? ये बकरा आया था अपने पास 4 दांत पे था, 60 kg पे था भाई। 58-60 kg पे, 60 kg पे आया था भाई। और अभी क्या करंटली वेट है इसका? अभी भाई 6 दांत पे है बकरा। और अभी 95 पे। जस्ट मतलब 6 दांत पे, तो इसको अगले साल कंटिन्यू कर सकते हैं। यस यस भाई, ये कंटिन्यू कर सकते हैं जानवर। और माशाल्लाह खाने में भी बहुत बेहतरीन जानवर है ये। अभी आप इसके नए ओनर पे डिपेंड है क्या करना चाहते हो। यस यस, तो आप मिलाना चाहोगे आपके नए ओनर से इनके? जी जी, इनके नए ओनर जो है भाई वो हमारे आमिर भाई है। जी आमिर भाई मारकर है, उनके भाई आए हुए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख, शाहरुख भाई क्या कहना है आपका इस बकरे के बारे में? इस बकरे का तो माशाल्लाह अभी ईद तक बनाना ही है और मजबूत। हाँ देखते हैं अभी। तो कुछ प्लान है अगले साल कंटिन्यू करने का? नहीं नहीं, इसी साल इंशाल्लाह। इसी साल इंशाल्लाह लगाने के लिए से लिए। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी जी जी, माशाल्लाह देखो ना। क्या लगता है आपने रोहा में इससे पहले इससे बड़ा बकरा देखे थे? हाँ देखे तो है, पर ये भी बकरा माशाल्लाह। हाँ अच्छा ही है। नहीं मतलब रोहा में देखे थे, मतलब इसका मतलब रोहा में तैयार हुआ किया हुआ बकरा? तैयार किया हुआ तो नहीं, तैयार किया हुआ तो मतलब फर्स्ट जानवर है। हाँ मैं उसी इसी लिए पूछा था। खरीद मतलब यहाँ वहाँ से देखो। हाँ नहीं, वो तो आने के लिए तो लोग कहीं से भी 200 किलो का बकरा भी ले आएगा, लेकिन तैयार करना है मतलब फर्स्ट बकरा। हाँ वो बड़ी बात होती ना। तो है ना, सेटिस्फाई आप निशान से? तो दोस्तों आपने खुद देखा है कि जो रिशान भाई के कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई है रिशान भाई की सर्विस से, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बकरा प्रिपेयर किया हुआ है इन्होंने। उसका कान छोड़ा रिशान भाई। तो दोस्तों अगर किसी को पलाई पे रखना है तो आप लोग रिशान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इन्होंने ही बनाया हुआ है बकरे दोस्तों। तो जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहता है पलाई के लिए वो बात कीजिए, मैंने स्क्रीन पे इनका नंबर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय द वीडियो गाइज़।